तो गए हम लोग भैया, पहुंच गए अल्मोड़ा जू पे। हमने जू खुजाते खुजाते पहुंच गए अल्मोड़ा के जू पे। तो ये है ऊपर को जू दोस्तों अभी। तो चलिए नीचे से एंट्री है भाई वहां पर से जाते हैं और देखते हैं अल्मोड़ा के जू में। भैया अभी मैं नैनीताल के जू तक तो गया नहीं हूँ, अल्मोड़ा के जू में पहुंच गया और देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन से जानवर है। कितना है टिकट का? 20 रुपये टिकट है। ये भैया जू में जाने के लिए गेट यहाँ पर से, और टिकट यहाँ पर कट रही है हमारी जो कि 20 रुपये टिकट। जानवर कौन कौन से देखने को मिलेंगे अंदर? तेंदुए, हिरन, बाघ वगैरह सब। गगन बोला एलिफेंट दिखेगा, चल दिखेगा एलिफेंट तेरे को। एलिफेंट यहाँ हम लोगों ने भैया गेट में से टिकट वगैरह कटा लिया और अभी जा रहे हैं हम पर जानवर को देखने के लिए। देखते हैं कौन कौन से वाले जानवर है वहाँ पे। ये कौन सा बोल रहा था? एलिफेंट ना। गगन को तो देखना भैया एलिफेंट वाला। और भाई क्या बोलो, देखते हैं कौन कौन सा देख रहा है। तुमको बगीचा कौन सा देखना है? छोटो तो तू तो बंदर ही वाला होगा। ये सो रखे हैं ये तो। गाइस हमको बाघ दिख गया है भैया यहाँ पे। बाघ नहीं, तेंदुए है यार। गगन क्या कहा तूने? सिर पर लग रहा है ये बोला, बिल्ली का बच्चा लग रहा बोला। ये देखिए अंदर, तो ये देखिए गाइस अंदर पेडिग्री। ये देखिए पेडिग्री बोलते हैं दोस्तों। आज मैं इसको भैया सामने से देख रहा हूँ। ये तो कम से कम जू वाले हैं, जू वाले अंदर वाले हैं। हमारे वहाँ तो भैया सीधे खत्म करने वाले तेंदुए आ रखे हैं। गगन भाई बिल्कुल बिल्ली की तरह बता रहे हैं इसको। अच्छा यहाँ पे कितने तेंदुए हैं? 3 है ना। एक तो सामने भैया सो रहा, ये वो इधर को देखने लग गया देखो। अच्छा वो कितने बढ़िया तरीके से धूम में सो रखा है सामने देखो। ये इधर को आ भी नहीं रहा। हमने देखा गए यहाँ पे तेंदुआ, इसका भैया कोई रिएक्शन नहीं है। ये हमारे वहाँ का जैसा तेंदुआ नहीं है, इसका कोई रिएक्शन ही दिया यार। दोस्तों यहाँ पे भैया लिखा हुआ है, इनका नाम भी लिखा हुआ है, तेंदुआ गोपी है इसका नाम, मादा फीमेल। ये डॉली है, एक का नाम डॉली है यहाँ पे। डॉली गोपी डॉली और गोपी आई नहीं रहा पंकज भाई। तो यहाँ पे जो तेंदुए बाघ है ना भैया, इनका नाम रखा हुआ है डॉली और गोपी ना। इन्होंने बास क्या सोना बुगड़े इन मर गए। गाइस गगन और दीप छोटो बोल रहे हैं कि हमने पहली बार बाघ देखा करके। दो तीन बार कहा देखा, बोला इलाके में बाघ भी आज का, तब भी देखा थोड़ा तुमने। गाइस भैया यहाँ पे जुमा आते ही मतलब एक पंगा ऐसा हो गया, बाघ मेरे को जा लग गया और बाघ ने मेरे हेलमेट का ये देखिए भैया, तुम आगे आगे जा रहे हो, ये बाघ ने देखो लथोड़ दिया हेलमेट पूरा। हाँ भाई हम बाइक रोड यहाँ मतलब एकदम चले हुए हैं फास्ट, पता चल रहा ऊपर से कुछ भाग करके आ गया। जाई बहु कौन जने का कर दिया काम भाई। गाड़ी का लाइसेंस लग गया, गाड़ी की चाबी देख लेना भाई पहले। अरे हम भगा भाग चल रहे कितनी बार भाग अगर हो गया उन्होंने देखते कि राजी कस्तूरी मेरे के सीट थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भालू और ढिरन वगैरह देखने के लिए। ये तो दूर दूर नगर आए नजदीक नजदीक में बनौन चाहिए यार। क्या तुम ना चले तेने स्विमिंग पूल बना रखी शायद यार इना लीजिए हो जानवर जी ठीक है सर। कोई क्या जी धरी जी डॉली गगन भाई बोला वहाँ की वहाँ किले धरी की डॉली है। रोज मुर्गे का खुट जी का खा लो, मुर्गा खुटा पेट भरी जा लो, लास्ट में त्याग खुट लो मांगो लो मुर्गा खुटा फिर गगन को खा। मतलब यहाँ पे जू में मतलब इतने दूर दूर रखे हुए ना बाघ रखा हुआ वो शंकर धार सरकार जो है और बाकी जानवर रखे हुए। दूर दूर तो नहीं रखना चाहिए यार जानवर भी, थोड़ा नजदीक जूम कर तो नीचे नीचे देखिए दोस्तों। ये देखिए सुअर, ये तो रास्ते में ये तो
ये तो जूस है, बोलो ये बाहर निकल गया, क्या बजा इसको, क्या बजा ये बाहर निकल गया। पारू भीतर हो, ये भीतर हम आ गए हैं यहाँ पे ऋषि के देखने के लिए। यो ओ भाई, यो यो वो जा पांच खुल जाते, पांच खुल जाते। गाइस यहाँ पे देखिए, ये है भैया गिद्ध, ये देखिए ये आ गया सामने, ये देखिए ये तो अभी सामने आ गया भाई। एक साइड का इसका पंख कटा हुआ है, ये तो वही है जो उसने राम वो रामायण में रावण उड़ा लेके गया था ना सीता माता को, वो उसको रोकने के लिए गया। ये गाइस हमसे काफी प्यार करता है भैया, ये पास में आ गया। यहाँ पे क्या है, उल्लू। ओ भाई ये जो अभी हमको देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं प्रेम ये ना, ये गए यहाँ पे भैया उल्लू को मूर्ति जो भैरो। तो यहाँ पे उल्लू है भैया, दो उल्लू बैठे हुए यहाँ पे, और इसके बगल में यहाँ पे सफेद मंकी, देखिए यहाँ पे व्हाइट मंकी गाय, ये देखिए गगन चैट मारो ना भाई मुंह में, चैटा मारेगा सीधे मुंह पे कथे साहब। चलिए फिर, क्या तू लेके जाएगा क्या? अरे गजब, ये तो सामने आ रखे हैं। ये देखे गए, ये है भैया हिरन, वाह ये कितने सिंह वाला है, मुखना का भुस्का सिद्ध हो सिंह बाहर आई जल पत्थर चल रहा छेड़ी हाल से। ये देखिए क्या ऊपर भी बैठे हुए हैं भैया, कितने सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे है दोस्तों ये हिरन वगैरह, इसमें से केवल एक का मतलब सींग आ रखा है, बाकी ऊपर भी है सींग वाले से, मतलब वही जान लाना बकराजा पार्ट या फिर उजा खच्चर जा यार, खच्चर उजा चीज लगे, खच्चर जैसे लग रही है। तो दोस्तों गगन भाई यहाँ पे हिरन का दूध पीकर के आप आगे को बढ़ते हैं। भाई हिरन का दूध सबसे मीठा होता है ये, है? है? हाँ फिर मैंने तो भी रखा है भाई, तेरे को कैसा लगा? भालो भाल के अच्छे बाद जाएंगे नहीं नहीं। क्या क्या तो क्या करना से हम बस जज जैसे क्या किया तू इसके अंदर होंगे सोते नहीं रखे कहीं, भालू नहीं है क्या यहाँ पे भालू? तो हम लोग अभी भैया यहाँ पे ढूंढ रहे हैं भालू को, भालू देखते हैं यहाँ पे खा रहा है आलू, तेंदुआ पत्थर कथब रखा हुआ है और ये कथब रखे हुए वैसलिन लगाओ, तेंदुए पत्ती तो दे दी गई और चुप गए। उजो ला लो यार ट्यूबलाइट वाला यार, काफी उसे टाइप हेलमेट पहन लो, चलो तू ट्यूबलाइट वाला तो मोमबत्ती, मोमबत्ती का सबसे बढ़िया रहता है भाई, घर जाके वीडियो में ये उल्लू है का? अरे एक तो हमने बाहर खुलता हुआ दिखा दिया हो, ये देखो भालू भाई, अब आपको गैस बाजू दिख रहा है तो भालू ये है, ये आप क्या जहाँ पे भालू दिखा तो भालू ये दिखा रहे हो बोर्ड पे, पता नहीं किस साइड के दिखाई नहीं हमको। ये अभी भी देखो यहाँ जाली लेकर के आ रखे है और बना रहे होंगे ना इसको। तो गैज अभी हम लोग भैया जू से आ गए है, चिड़ियाघर से आ गए है, और यहाँ पे चिड़िया तो देखने को मिली नहीं, वैसे मतलब दो चार चीज थे यहाँ पे जो की आपको तेंदुआ दिखाया और कोई गिद्ध दिखाया और उल्लू दिखाया और वाइट बंदर दिखाया और आपको दिखाया हमने हिरन भालू, ये ये भालू सही बोला गगन भाई, दे हमको भालू नहीं मिला ना, भालू हमारे पास ये है सेम भालू जैसा भाई, ये खुल करके चलता है, ये बाइक भी चलाता है, अभी हाथ में हेलमेट लेके चला है वो, और ये मुर्गा भी काटता है ये भालू। तेरे को भालू दिखा तो इतना नाराज किया तो गगन बोल रहा है भालू पीके क्या, यह बोल गया था भालू पीके सोया था क्या वहाँ पे बोल, तू कल वीडियो में दे रही ना तेरे को भालू देगा देगा देगा। गगन कहाँ पे पीके सोया था यार भालू, गगन इतने पूरे जू में भैया, अभी उसका मतलब हमने वो भी दिखा दिया तेंदुआ तक दिखा दिया है, उसको देखना था भालू, और बोल क्या रहा है ना भालू कहीं पीके सट हुआ था बोल अंदर,
तब जाके दिखानी हो। अब यहाँ पता नहीं पी रखे थे क्या कर रखी थी भालू ने। आज का ठंडा हो रहा है, आज से पीके सेट हो रखा होगा। 5 करोड़ 500 रुपए में गगन क्या मिला है बता दो। गाइस को बता, ये चीड़ के पेड़ को देख रहा है गाइस। 500 रुपए 500 रुपए बोल रहा, 500 रुपए पे चीड़ के पेड़ है। तू रो मत यार भाई, तेरे को भालू नहीं मिला, कोई बात नहीं, तू रो मत। खेत में खूब सारी मक्का लगा, भालू ही भालू। तो यहाँ पे गाइस देखिए मोनाल का भी भैया बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, ये तो हमको दिखानी कहीं पे भी। ये है अपना राज्य पक्षी मोनाल। तो ये चीजें ना, कुछ चीजें यहाँ पे थी नहीं, बोर्ड वगैरह तो लगे हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे भैया यहाँ पे उपलब्ध हो जाए, उन चीज को लेकर के आ जाए। टाइम काफी हो गया तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, तो शाम हो जाएगी, ठंडा हो गया बहुत ज्यादा, भूख भी लग रही है, कहीं पे खाना भी खाएंगे। बाल तो दादा इतनी दौड़ में लगाओ, ये बड़ी आवाज कर रहा है यार, ये भड़बड़ भड़बड़ पीछे से। कौन ये कैसे यार? मिल गया ढूंढते ढूंढते पेड़ में, मतलब भैंस कूदरे चूहे भी नहीं बोलेंगे भाई। पिछली बार का दिखाई होगा आपके। फिर क्या है, बस भूल क्या बोल रहे हैं? और इसके अलावा भात दाल है अंकल? भात दाल है या भात दाल वगैरह? भात दाल नहीं है यार। हैं? हाँ झोली भात राजमा छोले, चलो यार। तो कहीं पे भी नहीं है यार, है मिल गया। आ जा भाई, बड़े मुश्किल से आ जा, 3-4 जगह पूछ दिया भैया, कहीं पे खाना खत्म है, कहीं पे बना ही नहीं। अरे कहीं पे खाना खत्म है, कहीं पे मिला ही नहीं। आगे उधर भी है क्या, बाहर बैठने का नहीं है? ये वाला टेबल मुझे ला रहा हूँ। बाप रे भाई, ये हाइट देखिए यहाँ से, लोटे कितने मस्त लग रहे हैं यहाँ पे देखिए। सभी को काफी ज्यादा भूख लग गई थी, अभी अंदर ऑर्डर कर दिया। फाइनल भैया आ गया, अपनी थाली आ चुकी है और इसमें छोले दाल बिस्की है, मूंग मसूर की, और ये होगी सब्जी, सलाद होगी, रोटी होगी। और अभी हम लोग निकलेंगे, टाइम जो हो रहा है करीबन 2:30 बज रहे लगभग। सामान पूरा उठा लेना, पीछे से हेलमेट उठा यार, वो हेलमेट ऊपर को जैसा क्या लगा कि मर गया जाए, फिर हेलमेट जाने का मन है। अभी हम लोग पहुंचे हुए गर्म पानी, और इस सुबह से मतलब भैया हाथ पैर भी पूरे दर्द कर रहे हैं, अब तो गर्म हो गया होगा बहुत, गर्म रखा है क्या? मैं बोला एक अंडा फोड़ेंगे ना, हाँ। यहाँ पे अंडा फोड़ दे, वाला ऑमलेट बन जाएगा। तो गाइस भैया फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए यहाँ पे कैची धाम पे, नीम कदली बाबा जी का भैया धाम यहाँ पे देखिए दोस्तों। टाइम कितना हो रहा है अभी? 4। देखिए श्रद्धालु की कितनी भीड़ भैया, शाम के टाइम में भी, सुबह से शाम तक क्या इतनी ज्यादा भीड़ रहती है श्रद्धालु की, बहुत अभी भी मतलब इतने सारे लोग गए हुए हैं दर्शन करने के लिए।